हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो राष्ट्रीय एकीकरण शिविर है, ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब NSS के माध्यम से या फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि यूथ मंत्रालय का, युवा मंत्रालय का एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो यह जो आज का जो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर जो हो रहा है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किया जा रहा है, और राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय का सबॉर्डिनेट ऑफिस है जो कि गुवाहाटी में है, और रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे 200 वॉलंटियर और 10 टीम लीडर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हमारा कार्यक्रम जो है 1970 साल से ये शुरू किया गया है, और प्रत्येक साल काफ़ी सारे युवाओं को इसमें चांस मिलता है सम्मिलित होने का। हमारा यहाँ जो मकसद है कि हम अपने राष्ट्र को पहचानें, राष्ट्र की संहिता किस तरीके से बनी रहे उसको हम जानें, और इसके दौरान हमारे विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लोग एक दूसरे के कल्चर को जानें, एक दूसरे के संस्कृति को जानें, एक दूसरे के वेशभूषा को जानें, एक दूसरे के ट्रेडिशन को जानें, एक दूसरे के खान पान जो है उसको जानें, और ये सबसे बड़ा जो है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है कि भारत में डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे यूनिटी है। और दूसरा जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे दर्शाता है। आज यहाँ पे आप देखिए हमारे आसाम का भी टीम है और राजस्थान उसका पार्टनर स्टेट है एक भारत श्रेष्ठ भारत में, दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरीके से बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के टीम आए हैं उसके भी पार्टनर स्टेट यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लोग अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ चर्चा करके बहुत सारी चीज़ उनके राज्यों के बारे में जान सकते हैं। कितने स्टेट के हैं ये? हमारे अभी 10 स्टेट के बच्चे यहाँ पे हैं, 13 स्टेट के आने थे लेकिन मणिपुर से नहीं आ पाए या फिर महाराष्ट्र से नहीं आ पाए। यहाँ पर 10 राज्य के बच्चे हैं, 5 नॉर्थ ईस्ट से हैं और 5 नॉर्थ ईस्ट के बाहर के बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं और 10 टीम लीडर हैं। कितने दिन हो गए? ये 7 दिन का कार्यक्रम है, आज हमारा इनॉग्रेशन था और ये 7 दिन तक चलेगा, 15 तारीख को हमारा मतलब समापन है। थियोरेटिकल होगा, जो शिविर होगा थियोरेटिकल शिविर होगा, जो शिविर होगा थ्योरी हो गया शायद नहीं। इसमें क्या है, इसमें देखिए कार्यक्रम जो हमारा है सुबह में फिट इंडिया का कार्यक्रम हम लोग अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसमें हमारा योगा भी होगा प्लस वाकाथॉन भी होगा और उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी कार्यक्रम होगा। दूसरा जो है हमारा श्रमदान है, श्रमदान के माध्यम से हम इस कैंपस में या जहां हम रह रहे हैं वहां पर हम साफ सफाई करेंगे, कुछ जगह यदि बारिश होता है तो प्लांटेशन का भी हम लोग सोशल वर्क भी होगा, प्लांटेशन भी होगा। तीसरा जो है हमारा एकेडमिक सेशन होगा, इस एकेडमिक सेशन में जो हमारे अभी भारतवर्ष में जो चर्चा चल रही है जैसे मिशन लाइफ के ऊपर में चर्चा है, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर में चर्चा है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में चर्चा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर में चर्चा है, फिर हम अपना जो है इंटरव्यू हमको कैसे फेस करना है आज युवाओं के बीच में, ये भी एक बहुत बड़े मतलब एकता के बारे में क्या होगा, एकता के बारे में क्या होगा, एकता के बारे में जो विभिन्न हमारे रिसर्च पर्सन हैं वो आएंगे, और शाम को जो हमारा कल्चरल इवनिंग है वो कल्चरल इवनिंग में हमारे यहाँ जितना भी लोक संस्कृति है, लोकगीत है, उसको विभिन्न राज्य जो है वो दर्शाएगा और उससे एक दूसरे को जान पाएंगे हम।